ये साड़ी मेरे मामा ने दी शादी में, आज करवा चौथ के दिन पहली बार पहनी है। अच्छी लग रही है आपके ऊपर। नेहा कहाँ हो? अरे भूरी जी के यहाँ हूँ, वो मायके से लौट के आई है ना अभी। पड़ोसन आ गई और पड़ोसन पे मेरी नजर नहीं पड़ी। लाइक अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्यों आ गई? मैं तुम्हें ही देखने आ रहा था। हाँ तो बताओ। गोल घंटा ने नई साड़ी पहन ली। करवा चौथ में चांद की जगह सूरज को देख के व्रत तोड़ना है क्या? बताओ कैसी लग रही है ये साड़ी? 1 नवंबर लग रही है। 1 नवंबर? साड़ी का पूछ रही हूँ, तारीख नहीं पूछ रही। हाँ हाँ वही 1 नंबर लग रही है। और मनोज जी। अरे गुड मॉर्निंग विक्रम जी। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वही शुभकामनाएं आपको भी। चलिए बाल्टी हाथ में लिए हैं, मतलब बहुत भारी काम करने जा रहे थे। हाँ हाँ फिर मिलता हूँ। सुनो देखना तो कैलेंडर में चांद कितने बजे निकलेगा शाम को। निकल आएगा 9-10 बजे। ठीक है लाइक एंड सब्सक्राइब। आज कुछ खाना नहीं प्रभु? करवा चौथ का व्रत तुम्हारा है, तुम रखो, मेरे पास मत रखो। तुम्हें व्रत रखने को कहाँ कह रही है? मैं तो कह रही हूँ तुम कुछ खाना मत खाना। अच्छा फिर व्रत क्या होता है? व्रत का मतलब पूजा करना, शाम को चांद देखना, छलनी से पति को देखना। तो जब मैं भूखा रह रहा हूँ शाम तक तो अपने लिए एक पति भी ढूंढ लेता हूँ। चलो रहने दो, मैं तो मजाक कर रही थी। बताओ नाश्ते में क्या बनाऊं? रहने दो तुम मत बनाओ, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। पक्का? हाँ। और विक्रम जी कैसे हैं? अरे भूरी जी आप मायके से आ गई? नेहा जी अंदर ही है ना? आप भी आइए ना अंदर। रखना है उपवास, नहीं खाना आलू। अब तू ही बता